अगर इजाजत है फिर हम लोगों के सवालात ले लें, अगर फिर हम सार के दस्तरखान में मजीद बात भी करेंगे। तो बेटा ये अगर आप देख सकें, हमने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, आप लाइन अप कर लें मेरे साथ, जो कारोबार की कमाई से मुताल्लिक है, सवाल नंबर 5 उससे हम आगाज़ करते हैं। तब तो मैं आपके तैयार हैं या मैं एक सवाल करूँ? तब तक जैसे आप तैयार हैं चला दें जी। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मैं 1.5 साल से अपने कारोबार मैंने शुरू किया है और मैं जो भी मुझे बचत होती है डेली में उस पर 5% अलग इनाम में खर्च देता हूँ, तो क्या मुझ पर फिर भी ज़कात फ़र्ज है? मासूमाना सवाल है जी, मासूमाना सवाल है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबी व बारिक व सल्लम। सबसे पहले तो मैं आज की जो मुमकिन शब कदर है इसकी तमाम देखने वालों को सुनने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और भाई ने जो सवाल किया है, और एक लिहाज से तो बहुत अच्छा है कि 5% अल्लाह की राह में वैसे ही निकालते हैं। देखिए मेरे भाई, जो 5% आपने अल्लाह की राह में जो निकालना शुरू किया है ना कारोबार के साथ, ये तो आपने कारोबार में इजाफे के लिए किया है। सही है, ये तो कारोबार में जो बरकत है उसके लिए किया है, और उसकी बरकतें आपको बिल यकीन मिल रही हैं। कि हम ये बात कई मरतबा कह चुके हैं कि वैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1%, 2%, 3%, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो 10 से शुरू होता है, 10 गुना से। 10 गुना से शुरू होते हुए ये 700 गुना और उससे भी कई गुना बढ़ जाता है जैसी आपकी नीयत हो। ये तो आपने अपने फ़ायदे के लिए किया है। अच्छा, रही बात यह कि उसके अलावा आप पर ज़कात लाजिम होती है या नहीं, तो उसके अलावा अगर आपके पास इतना बचता है, इतनी रकम आपके पास है, मिसाल के तौर पर जो 52.5 तोला चांदी के बराबर बन जाए, ये तकरीबन 89,000 बनते हैं, इतनी रकम आपके पास है, साल गुजर चुका है, तो आप पर ज़कात लाजिमी देनी होगी। ये फ़र्ज़ है। आप जो निकाल रहे हैं वो नफिल है, और ये जो निकालना है हर साल ये फ़र्ज़ है और ज़रूर निकालनी है। या फिर आपके पास गोल्ड है और वो 7.5 तोला है, तो तब भी आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। यानी इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा अमल है वो, लेकिन वो उसको साकित नहीं कर देगा, वो आपका ओवर टाइम है। हाँ, वो मिलता रहेगा इंशाल्लाह। ये फ़र्ज़ है, ये ड्यूटी है आपकी।